वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके चहते चैनल चैनगढ़ पर। मैं अमन चौधरी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग द हिंदू का जो है कुछ वर्ड मीनिंग लेके आए हैं, जिसके हम लोग सिनोनिम जानेंगे, साथ में उसके हिंदी भी जानेंगे और किस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगेगा। शॉर्ट वीडियोज होती है, आप इसे चलते फिरते कभी भी देख सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं। ठीक है, जो भैया 5 मिनट निकाल के समझ लो। ठीक है, तो 5 मिनट में तो आप जो है अगर कहीं जा भी रहे होंगे तो चलते चलते भी आप लोग देख लेंगे, बस का वेट कर तो बस का वेट करते करते देख लेंगे। तो इतना हम लोग शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और ये बनाते इसलिए ताकि आपका वोकैब अच्छा हो सके और आप इस पे काम कर सके। ठीक है, पहला वर्ड है कमेंसिप। कमेंसिप का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना। तो बिगिन इसका सबसे नियरेस्ट है, फिर इनोग्रेटेड है और फिर इनिशिएट है। तो इनिशिएट को आप दूसरे नंबर पे रखिए हमेशा, और ये पहले नंबर पे है और ये तीसरे नंबर पे है। अगर आपके पास में ऑप्शन आता है तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे किस पे, बिगिन से आप स्टार्ट करते हैं अगर बिगिन है तो, अगर नहीं है तो फिर इनिशिएट आपका ऑप्शन हो सकता है। यानी कि जो बिगिन है जो स्टार्ट करता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, परम कर्तव्य कैसे यूज करते हैं, कमेंसिप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ही ऑलवेज कमेंसिप द आइडिया द वर्क। ठीक है, वो हमेशा वर्क ही क्या करता है, परम करता है। Considerable. Considerable मतलब क्या होता है, considerable मतलब होता है काफी अधिक। ठीक है, इस सेंस में हम लोग लेते हैं। सबसे जो करीब होता है evident, evident के तौर पे ले सकते हैं। Large मतलब अधिक, ample मतलब बहुत जो है अधिक मात्रा में, and appreciable यानी तारीफ योग्य होता है, यानी कि काफी मात्रा में होता है। तो सबसे करीब अगर जाना है आपको तो आप ample ले सकते हैं, काफी ज्यादा अधिक मात्रा में। ठीक है, ample का यूज कर सकते हैं। वैसे evident भी इसे सबसे नियर में माना जाता है। ठीक है, कंसिडरेबल, सो कंसिडरेबल लॉस। ठीक है, इसका मैं जो है यहाँ पे तैसे समझ लीजिए कि एडजेक्टिव तरह यूज किया गया, कंसिडरेबल लॉस, बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, बहुत ज्यादा हानि हुई है। एम्पल ऑफ, तो यहाँ पर हम लोग एबरेंट लॉस, एबरेंट इसका सबसे और नियरेस्ट है सबसे, इसलिए आगे लिखा है मैंने। तो एबरेंट का आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको ऑप्शन में आ जाता है तो आप एबरेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला कौन सा है, अगला वर्ड है कॉन्ट्रीब्यूट्स। कॉन्ट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, योगदान देना। ये कॉमन वर्ड है, आपने बहुत बार सुना भी होगा, तब अभी मैंने इस वर्ड को लिखा है जिससे कि आपको दिमाग में हमेशा रहे। तो कॉन्ट्रीब्यूट्स का जो सिनोनिम होगा उसका मतलब क्या होगा, डोनेट करना, कोई चीज दान करना। ठीक है, प्रोवाइड करना यानी कोई चीज दे देना, ऐड करना कोई चीज उसमें से संग्रहण करना, ऐड कर देना, और कमिट करना यानी कि अपना योगदान देना। तो सबसे पहला चीज जो होगा वो कमिट। देखिए, एज पर थिंग इज दान देना, डोनेट। देखिए, डोनेट का इस दान का मतलब क्या होता है, डोनेट का मतलब क्या होता है, दान देना। ठीक है, तो आप अपना दान दे रहे हैं। ठीक है, योग दे रहे हैं, योग दान। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऐड भी है और ये भी, इसलिए सिनोनिम इस प्रकार बनाए गए हैं। खैर, तो डोनेट कर रहे हैं आप लोग, दान कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं यानी किसी को प्रदान चीज कर रहे हैं, ऐड कमिट। तो सबसे जो आपका नियरेस्ट जाएगा वो कमिट जाएगा, क्योंकि आपका एक खुद का कमिटमेंट है एक तरह से। ठीक है, कमिट किया है आपने, अपना योगदान देंगे, अपना पूरा साथ देंगे। तो ये आप सबसे क्लोजेस्ट जो है क्लोजेस्ट जा सकता है, क्लोज वर्ड मीनिंग है किसका, कंट्रीब्यूट का। वैसे ये सारे ही जो है क्लोज में आ सकते हैं, इसमें आपको याद रखना है। चलिए, एफिकेसी, देखिए ध्यान से देखिए, ये एफिकेसी है, ये एफिशिएंसी मत पढ़ दीजिएगा इसको। ठीक है, एफिकेसी, एफिकेसी मतलब क्या होता है, प्रभावकारिता, जो पूरी तरीके से प्रभाव डाले। ठीक है, एक होता है इफेक्ट, इफेक्ट मतलब क्या होता है, प्रभाव होता है। ठीक है, ये है एफिकेसी। ठीक है, सब प्रभावकारिता, तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिवनेस, किस प्रकार से जो है चीजों में परिवर्तन आया है, क्या रिजल्ट मिला है, एडिकेसी मिला है, क्या कॉम्पिटेंस है उसका, क्या उसकी जो है ताकत है। तो सबसे पहले बात तो हम क्या लेंगे इसमें, हम लोग इसका प्रभावकारिता में हम लोग एडिकेसी जो है इसका क्लोज हो सकता है, उसके बाद प्रोडक्टिवनेस और फिर कॉम्पिटेंस। चलिए, अगला जो है वर्ड वो है आपका ट्रेंड। ट्रेंड मतलब क्या होता है, रुझान होता है। क्या होता है, ट्रेंड मतलब क्या होगा, रुझान होगा, जिसका मतलब होता है फ्लो, फ्लो फ्लो में बह जा रहा है, फ्लो चल रहा है आजकल, फ्लो मतलब कि आजकल क्या चल रहा है, फ्लो चल रहा है, वो एड देखा है ना आपने, तैसे ट्रेंड बन गया था वो, है ना। तो ट्रेंड बन गया है, तो फ्लो हो रहा है, करंट वर्तमान तौर पर, डायरेक्शन। ठीक है, दिशा, डायरेक्शन मतलब क्या होता है, दिशा। मूवमेंट मतलब क्या होता है, देखिए मूवमेंट मतलब भी एक तरह से क्या होता है, आगे बढ़ना होता है। टेंडेंसी क्या होता है, एक तरह से बदलाव, आदत सी बन जाना। बियरिंग यानी कि उसको सहते रहना, बायस यानी कि तरह से बदलाव, फैशन रुझान। अगर अगर आप देखते हैं इसका क्लोथ में, क्लोथ में आपका फैशन आता है, सबसे पहले फैशन रखिए आप। ठीक है, उसके बाद आप करंट रख सकते हैं, उसके बाद में फिर आप जो है मूवमेंट रख सकते हैं, और उसके बाद फिर पे आप बाकी पुट कर सकते हैं। तो ये थे इसके सिनोनिम। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको याद हुए होंगे और आप इसका सही भली बात कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। ठीक है जी, तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं। देख लीजिए आप घड़ी में, 5 मिनट से कम होंगे, 5 मिनट बनने वाले होंगे, उसी के अनुसार ही ये बनाया जाता है, जिससे कि आप कम समय में अच्छी चीज पढ़ सकें, समझ सकें और इसको यूज कर सकें। इस वर्ड को जो है यूज कीजिए,
अपने चीजें रिवाइज कीजिए, जिससे कि आप क्या हो सकें, आगे बढ़ सकें और चीजों को अच्छे से समझ पाएं और आगे कर सकें। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं 9 बजे इंग्लिश कक्षा क्लास में, जिसमें कि हम लोग की चल रही है प्रैक्टिस। ठीक है, क्या चल रही है हम लोग की प्रैक्टिस, और आज है एडवर्ब के ऊपर प्रैक्टिस, एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस होगी। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं 9 बजे इंग्लिश कक्षा की क्लास में, जो होगी इसी चैनल पे। तो प्लीज इसको शेयर कर लीजिए, इसको जो है शेयर कर दीजिए लोगों के साथ में, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए। तो मुझे दीजिए फिर से इजाजत, कहता हूँ लास्ट में कहते कहते, और आपका दिन अच्छा बीते और आगे आप बढ़ते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।